कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे यूज करें, उसके लिए व्हाट्सएप ऐप पे जाएंगे और व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक क्यूआर कोड स्कैनर, दूसरा लिंक विद फ़ोन नंबर। अगर आप क्यूआर कोड से लॉगिन करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और लॉगिन कीजिए। क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में जो कैमरा आइकन है उस पर क्लिक करें। अब आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करें। अब स्कैन करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद लिंक डिवाइस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यूज मोबाइल डेटा पे क्लिक कीजिए। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर मांग रहा है, उसे अनलॉक कीजिए। फिंगरप्रिंट अनलॉक होने के बाद अब ए ऑप्शन आएगा, आप ओके पे क्लिक कीजिए। दोबारा कैमरा खुल गया, अब इसको दोबारा स्कैन कीजिए। लॉगिन हो रहा है। अब यहाँ पे जो डिवाइस लिंक है वो दिखा रहा है। अब कंप्यूटर में व्हाट्सएप लॉगिन हो चुका है। अब अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं है बट व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए और सर्च बार में टाइप कीजिए व्हाट्सएप वेब। पहला लिंक आएगा टॉप में, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी पहले की तरह क्यूआर कोड मिल रहा है। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड से लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक विद फ़ोन नंबर पे क्लिक कीजिए। फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब मोबाइल नंबर के एंटर कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आएगा। अगर आप ही हैं तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। फिर से इस पे क्लिक कीजिए, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कीजिए। जो कोड यहाँ पे दिखा रहा है इसको सेम टू सेम इस जगह पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद अब लॉगिन स्टार्ट हो गया यहाँ पे दोबारा, और लिंक हो गया। ये दिखा रहा है लिंक हो चुका है व्हाट्सएप। इस तरह से आप अपने मोबाइल व्हाट्सएप को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से अपने व्हाट्सएप को लॉगआउट करना चाहते हैं, तो जितने भी आपके लिंक डिवाइसेस दिख रहे हैं इनमें क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको लॉगआउट का ऑप्शन आएगा, लॉगआउट पे क्लिक करना है तो आपका लॉगआउट हो जाएगा। हमने मोबाइल से लॉगआउट किया, अब यहाँ कंप्यूटर से भी लॉगआउट हो चुका है और दोबारा क्यूआर कोड स्कैनर दिख रहा है और लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। दोबारा देख लीजिए, लॉगआउट, लॉगआउट शुरू।